शीशनाग लेक पे आज पहली बार ही मौका मिला है बैठने का। हेलो हेलो, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास स्थित एक धार्मिक झील है। ये पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की एक खूबसूरत झील है। ये झील 3590 मीटर की ऊंचाई पर अनंतनाग ज़िले में स्थित एक अल्पाइन उच्च ऊंचाई वाली ओलिगोट्रॉफिक झील है। ये पहलगाम से लगभग 23 किलोमीटर दूर अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले ट्रैक पर स्थित है। इसकी लंबाई 1.1 किलोमीटर और चौड़ाई 0.7 किलोमीटर है। शेषनाग झील चंदनवाड़ी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। शेषनाग नागों का राजा और भगवान विष्णु जी का सिंहासन है। शेषनाग झील आसपास के पहाड़ों से पिघली हुई बर्फ से पोषित होती है। वो आगे पहलगाम घाटी में पानी लिदर नदी में मिल जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पवित्र नाग शेषनाग के साथ सर है और इसी तरह सात चोटियों वाला स्थान का नाम शेषनाग पड़ा। शेषनाग झील साल में केवल कुछ महीनों के लिए देखी जा सकती है, जिसके बाद ये जम जाती है। यहाँ तक कि चरम ग्रीष्म काल के दौरान झील का पानी इतना ठंडा रहता है कि इसके जल में स्नान करना असंभव हो जाता है। नदियों के अनुसार शेषनाग झील में शेषनाग का वास है। 24 घंटों में एक बार श्रद्धावान लोगों को शेषनाग के दर्शन भी होते हैं। शेषनाग झील में शेषनाग की आकृति साफ साफ दिखाई देती है। ये आकृति पानी पर उभर कर आती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा ले जा रहे थे। भगवान शिव चाहते थे कि इस अमर कथा को कोई भी ना सुने, क्योंकि जो भी इस अमर कथा को सुनता वो अमर हो जाता। इस दौरान भगवान शिव ने अनंतनागों को अनंतनाग में, बैल नंदी को पहलगाम में और चंद्रमा को चंदनवाड़ी में ही छोड़ गए थे। सिर्फ शेषनाग उनके साथ आगे तक गए थे।